आज की वीडियो में हम आपको जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट, इस टैबलेट के मार्केट प्राइस की बात करें तो 292 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको FDC लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें सिफेक्जिम और पोटेशियम कैलुला नेट होता है। इसके प्रत्येक टैबलेट में सिफेक्जिम जो कि 200 एमजी में होता है और पोटेशियम कैलुला नेट ये 125 एमजी में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो सिफेक्जिम जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है, इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसके यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कान में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में दर्द या सूजन हो, फुंसी हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान से पानी निकल रहा हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो या टॉन्सिल की समस्या हो, गले में दर्द या सूजन हो, तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइनल या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा में कहीं पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हों, दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, सूजन या लालीपन हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब से संबंधित समस्याएं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना या पेशाब करते समय दर्द महसूस होना या पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। गोनोरिया जैसी समस्या को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, आँख से पानी निकल रही हो, आँखों में खुजली हो रही हो, जलन महसूस हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोड़ा फुंसी को भी ये बहुत ही जल्द ठीक कर देता है। तो ये सब इसके मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन इसको इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में कहें उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा दस्त हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, इसके अलावा पेट में दर्द होना, अपच होना और कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जीफी सीवी 200 एमजी टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।